गणेश महिमा भाग दो। पिछले भाग में हमने देखा कि किस प्रकार गणेश जी का जन्म पार्वती जी के द्वारा किया गया और किस प्रकार गणेश जी का युद्ध शिवगणों से हुआ। इसके बाद भगवान शिव के हाथों वो मृत्यु को प्राप्त हुए। अब आगे की कहानी इस भाग दो में। भगवान शंकर द्वारा अपने पुत्र गणेश का सिर काटे जाने तथा देवों द्वारा हर्ष प्रकट होते देख पार्वती के क्रोध का ठिकाना ना रहा। कुछ पल तो वे भाव विहल होकर रोती रहीं। अंत में उन्होंने चंडी का रूप धारण कर लिया। वे मन ही मन कहने लगीं, मेरे पुत्र का सिर छेद करके ये देव समुदाय और शिवगण विजय महोत्सव मना रहे हैं। मैं भी इन्हें इसका ऐसा प्रतिफल दूंगी कि इनकी आत्मा तक कांप उठेगी। यह दृढ़ निश्चय करके उमा ने उसी क्षण सहस्त्रों तपस्विनी शक्तियों की रचना कर डाली। शक्तियों, मेरी आज्ञा है कि तुम बगैर कोई विचार किए इस संपूर्ण सृष्टि पर प्रलय मचा दो। देव, ऋषि, यक्ष, किन्नर, राक्षस, अपना या पराया, जो भी तुम्हारे सामने पड़े बछड़ कर डालो। किसी को भी क्षमा मत करना। संपूर्ण पृथ्वी पर हाहाकार मचा दो। जैसी देवी की आज्ञा। कुबड़ी कानी लंबे दांतों और नाखूनों वाली अनेक विशाल मुख योगिनियां अपने महाभयानक चेहरे लिए देव सेना पर टूट पड़ी। देखते ही देखते उन योगियों ने हजारों देव शिवगणों, ऋषि मुनियों, वृद्ध बालक, स्त्री आदि का भक्षण कर डाला। चारों ओर भगदड़ मच गई। बाप रे भागो, ये बलाएं कहां से अटकी? भाग कर जान बचाओ, कहीं किसी योगिनी की दृष्टि पड़ गई तो जी निकल जाएगी। कुछ योगिनियां सीधी इंद्र तथा विष्णु की ओर लपकी। मौका देखकर भगवान शंकर चुपचाप एक ओर खिसक गए। बाद में वे एक पहाड़ की गुफा में एकत्र हुए और उस मुसीबत से छुटकारा पाने का उपाय ढूंढने लगे। यह सब भगवती पार्वती के कोप के प्रतिस्वरूप है। उनके पुत्र का वध जो हुआ है, कौन माँ है जो अपने पुत्र के मरने पर दुखित नहीं होती? लेकिन हम तो महेश्वर शंकर की मदद करने आए थे। भगवान शंकर ने हमें आज्ञा न दी होती तो हम कदापि इस युद्ध में हिस्सा न लेते। जो हो गया सो हो गया। मौजूदा समस्या तो यह है कि इन योगियों से कैसे छुटकारा पाएं। ये तो सृष्टि को तहस नहस करने पर तुल गई हैं। पितामह ब्रह्मा जी ने कहा, यदि भगवती गिरजा संतुष्ट हो तो यह आफत टल सकती है, अन्यथा नहीं। लेकिन भगवती को समझाने उनके पास कौन जाए? इस समय तो वे साक्षात चंडी का रूप धारण किए हुए हैं। ये काम पितामह कर सकते हैं। मैं भी नहीं भाई, इस समय मैं भी उनके सामने जाने का खतरा मोल नहीं ले सकता। क्या पता क्रोधित माँ क्या कर डाले। एक उपाय तो है। कौन सा उपाय, जल्दी बताइए भगवान। यदि हम देवर्षि नारद को भगवती उमा को समझाने की जिम्मेदारी सौंप दें तो वे इस कार्य को अच्छी तरह क्रियान्वित कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, वे ऐसे कार्यों की जोड़ तोड़ में भी खूब माहिर हैं। वे जरूर इस काम को पूरा कर देंगे। तो चलो देवर्षि नारद के पास चलते हैं। उन्हीं से प्रार्थना करते हैं कि भगवती उमा को शांत करके वे इस आपदा से मुक्ति दिलाएं। तभी संयोगवश देवर्षि नारद उधर ही घूमते घूमते आ निकले। नारायण हरि, नारायण हरि। इतने सारे देवता आज एक जगह कैसे इकट्ठे हैं? आप लोगों के चेहरे भी चिंतित दिखाई दे रहे हैं। क्या कोई अप्रिय घटना घट गई है? हम बड़े मुश्किल में फंस गए हैं देवर्षि। भगवती उमा हम पर कुपित हो गई हैं। उन्होंने योगिनियों को आदेश दे दिया है कि सर्वत्र प्रलय मचा दो, हर व्यक्ति का भक्षण कर लो, जो भी तुम्हारे सामने पड़े उसी का भक्षण कर डालो। तो फिर मेरे लिए क्या आज्ञा है? आप लोग मुझसे क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं कि आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके भगवती उमा को संतुष्ट करें, उनसे नरसंहार रुकवाएं। अन्यथा पृथ्वी पर मानव जाति का नामो निशान तक नहीं रहेगा। आप सब लोग मेरे साथ चलिए, हम सब मिलकर भगवती की स्तुति करेंगे। वे बहुत कृपालु हैं, वे आपकी याचना नहीं ठुकराएंगी। नारद जी के साथ समस्त देवता और ऋषिगण माता पार्वती के पास पहुंचे और दीन स्वर में उनकी स्तुति करने लगे।
हे अम्बे, हे जगदम्बे, हे माता चंडिके, आपको बारंबार प्रणाम। माता आप ही आदि शक्ति हैं, आप सृष्टि की निर्मात्री हैं और आप ही संहारक। माँ क्रोध को शांत कीजिए और प्रसन्न होकर हमारा उद्धार कीजिए। हम लोग आपके चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं। देवों और शिवगणों की विनती सुनकर माँ पार्वती का दिल पसीज उठा। अंततः वे बोली, ये नरसंहार तभी बंद हो सकता है जब मेरी एक शर्त पूरी कर दी जाए। आप आज्ञा दीजिए भगवती, आपका हर आज्ञा का पालन होगा। हम आपके हर आदेश का पालन करने को तैयार हैं, लेकिन कृपया अपनी शक्तियों द्वारा इस नरसंहार को बंद करवा दे माँ। जब तक मेरा पुत्र पुनः जीवित नहीं होगा, मैं योगिनियों को नरसंहार बंद करने का आदेश नहीं दूंगी। यदि ऐसा है तो हम आपके पुत्र को पुनः जीवित किए देते हैं। भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया, तुम लोग उत्तर दिशा की ओर फैल जाओ। सबसे पहले जिसे जो भी व्यक्ति या पशु दिखाई दे उसे यहाँ ले आओ। भगवान विष्णु और इंद्र आदि देवताओं ने गणेश का धड़ साफ किया और धो पहुँच कर एक ओर रख दिया। कुछ शिवगण और देवता उत्तर की ओर बढ़ गए। उत्तर दिशा की ओर जाते हुए देवों ने सबसे पहले जिसको देखा वह एक हाथी था। उस हाथी का एक ही दांत था। देवता उस हाथी को पकड़ लाए और उसे शिव के सुपुर्द कर दिया। स्वामी, हम आपके आदेशानुसार इस हाथी को पकड़ लाए हैं, क्योंकि उत्तर दिशा की ओर बढ़ते समय मार्ग में हमें यही सबसे पहले मिला था। ठीक है, इस हाथी का मस्तक काट लो। तुरंत हाथी का मस्तक काट दिया गया और धनवंतरी वैद्य ने उस हाथी के मस्तक को गणेश के कटे सिर के स्थान पर रोपित कर दिया। प्रभु, आपके जिस तेज से हम सब प्रकट हुए हैं वही तेज वेद मंत्रों से पूजित इस बालक के शरीर में प्रविष्ट कराएं। फिर शिव के साथ समस्त देवताओं ने वेद मंत्रों से जल पवित्र किया और उस जल को गणेश के शरीर पर छिड़क दिया। जल का छिड़कना था कि गणेश यूं उठकर बैठ गए जैसे वे अभी अभी नींद से जागे हों। देवता दौड़े दौड़े माँ पार्वती के पास पहुंचे और उन्हें गणेश के जीवित होने का शुभ समाचार सुनाया। माँ, आपका पुत्र जीवित हो गया। अब तो क्रोध त्यागो और चलकर अपने पुत्र को देख लो। माँ पार्वती प्रसन्नता से उस जगह पहुंची और गणेश को जीवित देखकर खुशी से फूली न समाई। वे गणेश को छाती से लगाने लगी। मेरे पुत्र, मेरे कारण तुम्हें बहुत कष्ट सहना पड़ा। कष्ट कैसा माँ? भला अपनी माँ की सेवा करके भी किसी पुत्र को कष्ट होता है? अब से तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। मैं वरदान देती हूँ कि आज से समस्त देवों में सबसे पहले तुम्हारी अग्र पूजा होगी। कोई भी मंगल कार्य तेरे पूजा के बिना अधूरा रहेगा। माँ पार्वती ने योगिनियों को आदेश देकर नरसंहार रुकवा दिया। समस्त देवों और शिवगणों में प्रसन्नता की लहर दौड़ गई। सब माँ पार्वती की जय जयकार करने लगी। माँ पार्वती की जय, माँ पार्वती की जय। तो मित्रों, इस प्रकार यह कहानी समाप्त हुई। आशा करता हूँ यह पौराणिक कहानी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह पौराणिक कहानी यदि आपको पसंद आई है तो कमेंट में ज़रूर बताइए और ये भी बताइए कि आगे और भी पौराणिक कहानियाँ सुनना आप पसंद करेंगे या नहीं। धन्यवाद।